गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास टू। आई एम योर कंप्यूटर टीचर सुनजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर वन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, चैप्टर नंबर वन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी द सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म एग्जामिनेशन। इन माई प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द सिलेबस। ओके, बट ऑल ऑफ यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली। ओके, now move on to the topic. In my previous video I already have discussed up to the function of a computer, so today I am going to discuss the advantages of using a computer and disadvantages of using a computer. So move on to the main topic. Here you can see in my previous video I already have discussed up to the output device. Today I am going to discuss from start discussion from advantages of using a computer. So the computer has many features like features that makes it very useful. First advantage is speed. A computer has excellent speed in doing all its tasks. It can finish the most difficult calculation in less than a second. That means आप लोगों को सबको पता होगा कि कंप्यूटर कितना जल्दी से काम करता है। कोई भी कैलकुलेशन हो, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, वो ऑटोमेटिकली बहुत ईजी से कैलकुलेट करके हम लोगों को दे देता है। ओके, सो स्पीड हो गया एक एडवांटेजेस। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। द कंप्यूटर इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, द कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। इफ यू थिंक दैट द रिजल्ट इज रॉन्ग देन चेक द इनपुट। द कंप्यूटर नेवर रॉन्ग, इट ऑलवेज 100% करेक्ट। ओके, दैट मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, अगर हम लोगों ने कुछ गलती किया तभी जाके कंप्यूटर गलती करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। ओके, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक अनलाइकली द कंप्यूटर। दैट मीन्स ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा क्योंकि वो एक तो मशीन है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। ए कंप्यूटर कैन स्टोर फाइल्स फॉर ईयर्स प्रोवाइड नो वॉट डिलीट्स द फाइल। द कंप्यूटर हैज़ एन एक्सेलेंट मेमोरी। दैट मीन्स अगर हम लोगों ने कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर रखा है तो वो सालों तक वो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, वो अगर किसी ने उसको डिलीट नहीं किया है तो। ओके, ए ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द माइंड। दैट मीन्स हम लोग आसानी से भूल सकते हैं कोई भी चीज़ को, लेकिन कंप्यूटर में अगर स्टोर रहा तो कंप्यूटर उसको याद ही रखेगा। ओके, नेक्स्ट इज रिलीगेंस। डिलीगेंस मीन्स नॉट गेटिंग बोर्ड। द कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड व्हेन इफ यू गिव इट द सेम टास्क 1000 times। दैट मीन्स अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर एक ही काम बार 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 करते रहेंगे तो हम लोग को बोर हो जाते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता। ओके, कंप्यूटर को अगर एक काम 1000 times मिलियन टाइम्स अगर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली उस काम को करता ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्सिटिलिटी। द कंप्यूटर इज एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। इट कैन हेल्प इन डूइंग कैलकुलेशन, ड्राइंग कार्टून्स एंड टाइपिंग लेटर्स। ओके, ए मैन कैन बी एक्सपर्ट इन वन फील्ड बट नॉट इन ऑल। दैट मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, सभी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, लेकिन ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कोई किसी ना किसी एक में स्पेशलाइजेशन करता है। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी टास्किंग। द कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क परफेक्टली एट द सेम टाइम। दैट मीन्स अगर हम लोग कंप्यूटर में बैठ के गाना सुनेंगे तो गाना ऑन कर दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को ऑन कर दिया, कोई भी प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोग्राम को हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन ए ह्यूमन कैन डू वन टास्क परफेक्टली एट ए टाइम। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर। फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। द कंप्यूटर इज मेड अप हैवी मेटल्स एंड डेंजरस केमिकल्स। व्हेन इट इज डिस्कार्डेड दिस मेटल्स एंड केमिकल कॉजेज ए बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। द वेस्ट आर कॉल्ड ई वेस्ट। ओके, दैट मीन्स जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो हैवी मेटल से और डेंजरस केमिकल से मेड होता है। ओके, इसलिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट में अगर उसको जो ई वेस्ट है उसको फेंकने से एनवायरनमेंट में इफेक्ट होता है। ओके, इम्पेक्ट होता है उसका। नेक्स्ट है वेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन ऑफिस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन पीपल टेंडेड टू कीप देयर कंप्यूटर्स ऑन इवन व्हेन नॉट इन यूज। द कॉजेस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स हम लोग देखेंगे कि ऑफिस में हो गया, कहीं पर भी हो गया,
क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर कंप्यूटर में बैठ के काम भी नहीं कर रहे होंगे तो कंप्यूटर को खुला ही छोड़ रखे हैं, ऑन करके रखते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट इज बैड हेल्थ, वर्किंग कंटिन्यूसली ऑन द कंप्यूटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कैन लेड टू आई साइट प्रॉब्लम, बैकेज, ओबिसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग कंटिन्यूसली कंप्यूटर में बैठ के काम करना स्टार्ट कर देंगे, हम करते ही रहे तो हम लोगों के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है वायरस अटैक। ए वायरस इज ए डेंजरस प्रोग्राम व्हिच डिस्ट्रॉय दैट डेटा इन ए कंप्यूटर। इफ योर कंप्यूटर गेट्स ए वायरस, यू मे लॉस योर वर्क। दैट मीन्स जो वायरस होता है वो क्या होता है कि हम लोग के कंप्यूटर में अगर वायरस चला है तो क्या होता है कि जितना भी सारा हम लोग का फाइल हो गया होगा वो करप्ट हो जा सकता है, डैमेज हो सकता है, कंप्यूटर भी हम लोगों का डैमेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर क्राइम। बैड पीपल मिस यूज द कंप्यूटर टू डिस्ट्रॉय अदर पीपल्स डेटा, सच क्राइम इज कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। नेक्स्ट इज लिमिटिंग सोशल इंटरेक्शन, दैट मीन्स स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर्स कैन मेक ए पर्सन मिस आउट ऑन द फन फील्ड सोशल इवेंट्स लाइक फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टीज एंड पिकनिक। दैट मीन्स आजकल क्या हो रहा है कि इतना सारा गेम हो गया है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं फ़ोन पे, बाहर जाके जो दोस्त लोगों के साथ खेलना होता है वो कम हो गया है, फैमिली के साथ घूमने जाना कम हो गया है। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक, बट ऑल ऑफ यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वेरी केयरफुली। ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन हेयर, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।